18 सितंबर को जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित वंत्रा रिजॉर्ट में कार्य करने वाली युवती अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी की मांग को लेकर आज शहीद भगत सिंह चौक पर मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि रसूखदार होने के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया, जिसके विरोध में पूरे उत्तराखंड में आक्रोश व्याप्त है। इस अवसर पर मजदूर नेता आरपी बडोनी ने कहा कि 6 दिन से युवती लापता है, उसका पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज मीडिया की बदौलत ही अंकिता के दोषियों की गिरफ्तारी हुई। ये बहुत ही शर्मनाक का एक अपराध हुआ है और बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ये उत्तराखंड राज्य बनाया था, देवभूमि यहाँ कहा जाता है और यहाँ से क्राइम खत्म होने के लिए राज्य बना था, लेकिन यहाँ क्राइम बढ़ रहा है। अभी लगातार कुछ दिन पहले, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक बहन को जला दिया गया, जिसका कि अभी ये न्यूज़ चली रही है। उसके बाद अंकिता भंडारी एक 19 वर्ष की लड़की, गरीब घर की लड़की, नौकरी करने जाती है और वहाँ होटल का मालिक और उसके दोस्त उसको जो है उसकी हत्या कर देते हैं और उसके साथ निस्संदेह दुराचार किया गया होगा। और मेरी ये मांग है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़े नेता, कोई बहुत बड़े लोगों का हाथ है। इन जो 3 गिरफ्तार हुए हैं, इनके पीछे बड़ा शक्ति कौन है, बड़ी ताकत कौन है, बड़ा नेता कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए, वो गिरफ्तार होना चाहिए और इन सबको जो है फांसी होनी चाहिए। तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, मैं तो सबसे पहले आपके मीडिया के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यदि अगर मीडिया इस मामले को हाईलाइट नहीं करती तो जो 6 दिन से जो अंकिता भंडारी की जो हत्या की जो गुत्थी जो सुलझ नहीं रही थी, आप पत्रकार लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जब इसको उछाले तब जाके उनको वो जो है जो बलात्कारी हैं या जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 6 दिन से जो है, अभी तक 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से जो है अंकिता भंडारी जिस रिजॉर्ट में काम कर रही थी उसकी लाश का कहीं पता नहीं चला है। 6 दिन बाद जब शासन प्रशासन जा गए तब जाके कल उन 3 मालिकों को आज जो है गिरफ्तार किया गया है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी हो और इतनी कड़ी से कड़ी सजा हो और उस रिजॉर्ट पे जो रिजॉर्ट का मालिक है उस मालिक के होटल में डोजर चलाया जाए ताकि जो है अंकिता भंडारी को जो है न्याय मिल सके। दूसरा मैं आपके सामने एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि वो होटल का जो मालिक है पुलकित आर्य इतना तानाशाह आदमी है, वो इतना बदतमीज, इतना घमंडी आदमी है। जितने भी कर्मचारी उसके रिजॉर्ट के अंदर काम करते हैं वो उनको भी तनख्वाह तक नहीं देता, उनका PF नहीं है, ESI नहीं है, न्यूनतम वेतन नहीं है, 12-12 घंटे ड्यूटी है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलकित जो आर्य है वो पूर्व दर्जाधारी मंत्री का जो है बेटा है। ऐसे लोगों को जो सरकार में बैठे, सरकार की में गद्दी पे जो लोग काबिज हैं, इन लोगों को जो है पुलकित भंडारी के साथ जो न्याय करना चाहिए और उनको जो फांसी की सजा होनी चाहिए। और हम तब मानेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, अगर सच्चाई ईमानदारी से अगर आप काम कर रहे हैं तो पुलकित भंडारी के हत्यारों को, अंकित भंडारी जो लड़की है उसके हत्यारों को फांसी पे चढ़ाया जाए।